सो हे गाइस, चलिए तो आज सेकंड डेज है और कर लेते हैं विजिट। कहाँ कहाँ करना है दिखाएंगे आपको और क्या क्या विजिट होने वाला है। कल का विजिट वास्ते काफ़ी बेहतरीन था, सोसाइटी विजिट जो हमने किया। और अभी अपना साथ वाला आने वाला है, तो वही रोविन के साथ तो मैंने बहुत ब्लॉग बनाए थे पिछली बार, कॉमेडी वीडियोज़ भी बनाए थे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर कि अगर शायद हम फर्स्ट टाइम वो ब्लॉग नहीं बनाते ना, तो शायद आज आप सबके साथ नहीं जुड़ पाता मैं, है ना, और मेरी आवाज़ आप सब तक नहीं पहुंच पाती। मुझे ये लग रहा है कि मेरी आवाज़ मतलब ऑल इंडिया में बहुत जगह जा रही है। कल तो मैंने यार ब्लॉग जो देखा भाई, बांग्लादेश वालों ने मेरा ब्लॉग देखा है, वो भी भाई 5% पे। तो भाई यानी कि 5% यानी कि लगा लो अब 2-3 लोगों ने तो देखा ही होगा, फिर 2 लोगों ने तो देखा ही होगा, 5% पे जाएगा वीडियो, है ना। तो बांग्लादेश के लोगों ने भी वीडियो देखा, उत्तराखंड का, वो मेरा ब्लॉग, बहुत खुशी की बात है, है ना, कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया के अलावा और जगह भी जाए, और बहुत लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। वो भाई यहाँ पे बहुत खतरनाक है रास्ता, तो वेट करो वरना पता चला तुम्हारा भाई गिर गया नीचे तो हो गया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नानी के घर का मैंने अभी आपको ब्लॉग बताया है ना, तो बहुत बेहतरीन था। और ये पार्ट में कन्वर्ट होगा वीडियो, है ना, देखते हैं कितने पार्ट, क्योंकि विजिट बहुत करना है, रोड भी देखनी है कैसी रोड है, ऐसा कोई मिलना है, और क्या है, और अस्पताल में भी जाना है, शेखाल स्कूल में भी जाना है, बहुत जगह जाना है, अभी बहुत सारा काम है, तो उसे देखना है। ठीक है, अभी बने रहिए ब्लॉग के साथ और देखते रहिए, अभी मज़ा आने वाला है आपको। तो कहाँ गया भाई, साथ वाला पानी गायब हो गया। सो गाइज, यहाँ पे इसको लगाते हैं फिर बात करते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो सेकेंड डेज है, सेकेंड डेज में कहाँ कहाँ का विजिट करेंगे हम, बीएड में सोसाइटी विजिट कैसे करना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, आपको पता दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कल मैं एक चीज़ भूल गया था बोलना कि अगर सोसाइटी विजिट वगैरह दिया जा रहा है करने के लिए, तो आप उसे ईमानदारी से करिए। पता कारण क्या है, अगर आप नहीं करोगे ना, तो शायद आप कभी वो चीज़ नहीं कर पाओगे लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो। इसलिए ईमानदारी के साथ सोसाइटी विजिट करो और जाओ, लोगों से मिलो, अपनी फ़ोटो भी कैप्चर करो, ताकि सर लोगों को भरोसा आ सके कि आप वहाँ पे विज़िट करने गए थे। ओ भाई आ गया, ये देखिए आ गया। हाँ तो रोविन, सोसाइटी विज़िट कल किया था, कैसा लगा? आया मजा? काफ़ी अच्छा लगा था और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, मैं रोविन को ना वैसे ट्रेन करने वाला हूँ, किस चीज़ के लिए, कि यार ऐसे कैसे बोला जाता है। देखो अभी रोड में खड़े आने वाले लोग कई है, उधर से भी देखने पे लगे, पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो सो रोविन, अच्छा लगा कल मैंने जो बताया? काफ़ी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे। क्या चीज़ें हैं, और साथ में हम हिशरेखाल भी दिखाएंगे, हॉस्पिटल भी नया बना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था ना कि हमारा जो एक आर्मी वाला भाई है ना, यानी कि भाई लगेगा मेरा, मामा का लड़का ही लगेगा, है ना, इस साइड का है, तो भाई उनके साथ क्या नागालैंड में हुए थे कुछ ऐसी घटना कि कई लोग जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब वहाँ पर फायरिंग कर ली, उन्होंने सोचा कि आतंकवादी है, तो उस घटना के बारे में बताएंगे हम। बगल बगल उसी गाँव है, तो समर्थन में हॉस्पिटल को बनाया गया है और उन्हीं के नाम। तो हम कहाँ जाने वाले रोविन, बताओ? हिशरेखाल जाने वाले हम। हिशरेखाल में क्या है, स्कूल? किसका स्कूल? हमारा। हाँ तो भाई रोविन का स्कूल है, वो भाई साहब भी आ गए, वो सोच रहे पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो भाई रोविन का स्कूल है, वहाँ पर हम देखेंगे कि स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, या फिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, और स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं इस ब्लॉग में। बोलना चाहते हैं? हाँ भाई साहब, कुछ बोल रहे हो शायद? नहीं, मैं पूछ रहा था कि मैंने कभी आप जो कर रहे हो काय के लिए? अच्छा, ये हमारा बीएड है ना, मेरा बीएड चल रहा है 3rd सेमेस्टर, तो उसमें सोसाइटी विजिट करना पड़ता है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। थैंक यू भैया। तो रोविन अभी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, ठीक है, तैयार है? तो भाई देख लो कि हिशरेखाल की जो रोड है ना, किस प्रकार से होती है, यहाँ पर ना नजारा बड़ा प्यारा दिख। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे। सामने जो देखने को मिलेगा वो आपका हिशरेखाल है। कौन जिंदगी है? सो गाइस देखिए यहाँ पर भाई कौन मिल गया मुझे, बाप रे हिशरेखाल, कहाँ से आ रहे हो अखिल भाई?
बस मेरा आज इंटरव्यू है और हमें हमारा सौभाग्य कि हमें नीरज भाई मिले हैं। काफ़ी अच्छी इंसान है, एक वीडियो भी इनके साथ आई है, काफ़ी बहुत बढ़िया इंसान है। आज मेरा पेट तोड़ दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार। कहाँ हमारा आज इंटरव्यू टीचर का जो हम देने वाले हैं पौड़ी खाल में। पौड़ी खाल तो ये तो अच्छा, पौड़ी खाल यानी कि हिसरे खाल साइड, मुझे लगा हमारे पौड़ी की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, ये वाला पौड़ी खाल जो यहाँ पे आगे पड़े। इंटरव्यू किस चीज़ का अखिल भाई? ये हमारा म्यूजिक टीचर का इंटरव्यू है। कभी है इनका ये? आप कहाँ से हो भैया? मैं श्रीनगर से ही हूँ भाई। अच्छा प्रागडेरी से? अरे यार 5-6 साल रहा मैं तो, है ना। बाकी अखिल भाई के साथ मुलाकात होती रहती है। तुम्हारा क्या सिंगिंग का है क्या? हाँ भाई, अखिल भाई ना मैंने बताया था कि गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, डेली मतलब एक ना एक पोस्ट देखने को मिलते हैं यार, है ना, गजब। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। और चंद्रपति भी जाओ घूमने के लिए, है ना। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं हिशरे खाल का जो मेन आपको गेट देखने को मिलेगा स्कूल का, इंटर कॉलेज का, राजकीय इंटर कॉलेज हिशरे खाल टीरी गढ़वाल, स्वर्गीय हीरा स्मृति द्वार, ये मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए यहाँ पर लिखा है। तो भाई यहाँ से अंदर जब एंट्री होती है ना तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आज के इस ब्लॉग में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। बाकी यहाँ से अंदर का मेन रास्ता भी है, कार के लिए भी है, है ना। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा है ना कि एकदम से बच्चों की भीड़ एकदम से आ जाती है ना, तो फिर दरवाज़ों को ना दोनों को खोला जाता है, और फिर कार के लिए भी है, दोनों चीज़ें हैं, है ना, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, गेट भी काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। सो भाई यहाँ के स्कूल के बारे में मैं ना जितनी तारीफ़ करूँ कम है, अनुशासन बहुत ही बेहतरीन है, बाकी बहुत अच्छा है। अंदर देखते हैं क्या क्या है, चलिए अंदर चलते हैं ज़्यादा समय ना लगाते हुए। सो गाइज देखिए, देखो मेरे को यहाँ पर ना बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्ट। अभी तक मैं जितने भी स्कूल में गया हूँ, यानी कि जैसे मैं हिमालय धार में था तो वहाँ पे भी मेरे को स्कूल देखने को मिला, बहुत बेहतरीन स्कूल है। ये वाला स्कूल भी बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है, दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ा स्कूल है, ग्राउंड भी देख लो आप, काफ़ी ठीक है। सो गाइज देखिए आप, पानी की टंकी, कितनी बड़ी टंकी यहाँ पर लगाई गई बच्चों के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी स्कूल है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है यहाँ पे, ठीक है। हिशरे खाल के अंतर्गत है ये स्कूल और 6 से लेकर 12 तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। 5th क्लास तक मैंने आपको बताया था चखेड़ में होती है, और बाकी इधर उधर गांव के सारे बच्चे यहीं पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या क्लास है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पेंटिंग, और पेंटिंग का तो भाई मैं फ़ैन हूँ क्योंकि मैं खुद एक आर्ट वाला स्टूडेंट हूँ, है ना, और आर्ट का टीचर बनना चाहता हूँ। तो देखो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, जिसने भी बनाया, पेंटर वगैरह होंगे जिन्होंने बनाए होंगे, बाकी कमियां कितनी है वो मुझे पता है ना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आओ आओ नीचे आओ, नीचे रोमिन नीचे लाओ। अबे भाई यहाँ तो एक और ग्राउंड दिख गया मुझे, क्या बात है भाई। नीचे तो देखो, ये नीचे कौन सी क्लास है रोमिन? 11th नीचे बनाया गया है। देखो यहाँ पर एक ग्राउंड भी है, ये ग्राउंड की वीडियो बना दे यार, ठीक है। तो भाई सोसाइटी विजिट में देख लो भाई, सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर ऐसे उत्तराखंड में काम होता रहे तो बहुत मज़ा आएगा। क्या बन रहा है रोमिन? नया नया बन रहा है स्कूल के लिए, स्कूल बन रहा है। अरे वाह यार, अमेजिंग यार भाई, स्कूल तो देखो कितना अच्छा बन रहा है। फिर ऊपर तो यहाँ पर देखो पौधे कितने ज़्यादा मेंटेन किए हैं भाई, देखो ये देखो आप, रावत सर ने बहुत बढ़िया। रावत जी सर को मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्कूल को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, शोर से बचाने के लिए कितना अच्छा इन्होंने मतलब यहाँ पे काम किया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, है ना, कि जैसे हम अपनी रक्षा करते हैं ना, कपड़े पहनते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वैसे हमें पेड़ पौधों की रक्षा भी करनी चाहिए, ठीक है, है ना रोबिन, सही कहा कि गलत? सो गाइज मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार रोबिन कह रहा है कि मुझे भी वीडियो बनानी है, मतलब मुझे भी बोलना है, तो मेरा स्कूल है तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो भाई मुझे तो अच्छा लगता है कि आप बोलो, है ना, तो आप मैं जो माइक है रोबिन को देता हूँ और रोबिन आपको बताता रहेगा।
हेलो गाइस, आप सबको वैसे तो पता होगा कि हम यहाँ स्कूल के बारे में जानने के लिए आ रखे हैं कि हम लोग कितने बच्चे हैं, क्या ग्राउंड ग्राउंड हर चीज़ के बारे में जानने के लिए, कितनी कक्षाएं हैं। मतलब वैसे तो आप सबको हमने वैसे बता दिया है कि यहाँ 12th तक पूरा मतलब सारे चीज़ें उपलब्ध हैं और यहाँ काफ़ी अच्छा स्कूल है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा बहुत पुराना स्कूल है, यहाँ भी हमारे भाई भूई पढ़ा करते थे, थोड़ा पुराना हो गया इसलिए यहाँ कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। हमारे सर ने पता है उनको कि कोई कभी नुकसान हो सकता है कि कोई बच्चे यहाँ कभी टूट भी सकता है, इसलिए यहाँ कोई पढ़ाता नहीं है। काफ़ी अच्छा मतलब सर है हमारे। अब देखिए, मैं आपको अपने स्कूल के बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताता हूँ। ये 10th क्लास है, यहाँ पर 10th क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये उसके बगल में हमारे स्कूल मेरी क्लास है जहाँ की मैं पीछे बैठा करता हूँ, यहीं पर बैठा करता हूँ, वैसे ऐसी बात नहीं है, 16 बच्चे बैठे करते हैं ओनली साइंस साइड। ये बरामदा हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। और ये हमारा कंप्यूटर रूम है, यहाँ हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर हमारा सरस्वती मंदिर पर, और ये हमारा ऑफिस रूम है, कार्यालय इत्यादि यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ बच्चों की संख्या लिखी जाती है, यहाँ दैनिक उपस्थिति या अनुपस्थिति, और यहाँ सूचनाएँ आती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ गुरुजियों के बारे में बताया, पता था पर थोड़ा मिट गए हो। सो गाइस, अभी रोबिन ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि उनकी क्लास कहाँ पे चलती है और कौन सी 11th है, कौन सी 10th है। तो अभी यहाँ पे आगे आ जाते हैं। रोबिन आ जाओ थोड़ा यार, कैमरा लेके आओ यार। फूल बड़े प्यारे हैं, एक फूल तो ये स्टाफ रूम है। यहाँ पर अभी मैं गया था अंदर, मतलब यहाँ पर प्रधानाचार्य जी का बोर्ड भी लगा है। और इस साइड आते हैं, थोड़ा दो क्वेश्चन भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया शायद देखभाल कर रहे हैं आजकल, तो भैया थोड़ा सा आपसे दो क्वेश्चन करना चाहेंगे हम। तो यहाँ पे भैया जी है, और भैया जी यहीं पे मतलब आजकल छुट्टियाँ पड़ी है तो देखभाल कर रहे हैं, तो भैया से हम पूछ लेते हैं कि भैया मतलब कहाँ से क्या क्या। मेरा नाम चांदवीर मौर्य है, मैं रुड़की से हूँ, और मेरी यहाँ श्री अखाल इंटर कॉलेज में कनिष्ठ सहायक के पद पर पोस्टिंग हुई है। भैया मतलब आजकल छुट्टी है तो आजकल आप करने गए? देखिए, छुट्टी बच्चों की होती है, ऑफिस की छुट्टी नहीं है। हमारी छुट्टी जो होती है वो डीएम के कैलेंडर के अनुसार होती है। अच्छा, डीएम के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार नहीं होती। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देखभाल कर रहे हो। और मतलब ये है ना, कई बार ये होता है कि हम लोग गांव में रहते हैं और बहुत सारे सर होते हैं जो गांव की छुट्टी पड़ जाती है पर देखभाल करने के लिए नहीं आते। पर देखो यहाँ पर इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाकी मैंने कॉलेज जो आपको दिखाया है कितना बहतरीन स्कूल है। मतलब ये 11th 12th का है, हिस्ट्री का सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, थैंक यू सो मच भैया आपका।